पर नजर डालते हैं। आईटीसी के शेयर में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी रिसर्च लेकर अब हमारे साथ शरद जुट चुके हैं। शरद, बताए इसके पीछे की वजह क्या है और कौन से ट्रिगर्स है जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल आशीषा, आईटीसी जो है अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को टच किए हैं और अपने जो 24 जुलाई जो लास्ट टाइम जो 510 का आंकड़ा था उसको भी पार कर दिया है। ऑफकोर्स जो सेकेंड हाफ FY25 वो एक्सपेक्टेड है कि वो बेटर नंबर्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स है एंड ऑफकोर्स जो सिगरेट बिजनेस है सबसे ज़्यादा जहाँ पे वैल्यू जो दिखता है कंपनी में वहाँ पे उनके वॉल्यूम्स अभी स्थिर है और कोई बड़े चेंजेस जो है टैक्सेशन के नहीं हुए हैं। तो इसके कारण 3-4 पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है कंपनी के लिए बन रहे हैं। और अब ट्रिगर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है कि महंगाई में कमी देखने मिल रही है। दूसरा बात, जो मॉनसून हुई है वो जो है ठीक ठाक रही है, अबव नॉर्मल मॉनसून रही है और IMD भी फॉरकास्ट किया है कि अगले महीने यानी कि सेप्टेम्बर अभी से जो है अबव नॉर्मल मॉनसून आ सकता है। और ग्रामीण मांग सबसे इम्पोर्टेंट, रूरल रिकवरी वो भी देखने मिल रही है। ITC के जून तिमाही के नतीजे में भी बात करें तो सिगरेट, FMCG, होटल, एग्री चारों ही सेगमेंट में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। और पिछले 6 महीने में अगर ITC की हम बात करें स्टॉक प्राइस मूवमेंट में तो इन्वेस्टर्स को सेंसेक्स में 12% दिया और ITC वहीं पर उससे 2 गुना 25% रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज हाउस की राय भी अगर हम ले लेते हैं थोड़ी सी, और ये फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज जैसे कि जेफरीज हुआ, मैक्वेरी हुआ, यहाँ पे भी इनके लक्ष्य जो है अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, 530 के ऊपर आंकड़ा आ रहा है। और एक्सिस सिक्योरिटीज़ का भी बाई रेटिंग है तो ब्रोकरेजेस ने जो है थम्स अप दिया हुआ है। ट्रिगर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम स्टॉक की है, लेकिन एक और ट्रिगर है जो मैं आपको बताऊँगा वो है उनकी होटल डिविजन की डीमर्जर। अब याद रखिए 2024 के अंत में डीमर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जो अनाउंसमेंट था वो 14 अगस्त को लास्ट ईयर में आया था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पूरे कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर है ITC के शेयर होल्डर तो आपको 10 शेयर्स के बदले आपको एक शेयर होटल का डिवीजन का मिलेगा, ये रेशियो है, ये हमें पहले से ही पता है। लेकिन ये प्रक्रिया जिस तरह आए जा रही है और कंप्लीट हो सकती है नेक्स्ट ईयर, उसके कारण में स्टॉक में एक और रीरेटिंग ट्रिगर देखने मिल सकता है। डीमर्जर के बाद भी ITC की कंपनी में लगभग 40% हिस्सा जो है बना रहेगा। और 1975 में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 1975 में बने ITC होटल्स के 80 डेस्टिनेशंस में उनकी पकड़ है और 115 होटल का इनका कवरेज भी है। तो एक और वैल्यू अनलॉकिंग जो है आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। तो यही है पूरी ITC की कहानी और अभी ITC रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे चल रहा है। रिकॉर्ड लेवल्स पर ITC और अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप उस पर खरीदारी करने की सलाह भी दे रहे थे। ITC पर 510 जो कि एग्जैक्ट उसी के आसपास कारोबार भी कर रहा है ये स्टॉक, 510 के आसपास उन्होंने एंट्री करने की सलाह दी थी और 526 के इमीडिएट टारगेट्स वो देख रहे थे स्टॉक पर। आज FMCG स्टॉक्स में तेज़ी भी है, प्रदीप ने ITC, वहीं अक्षय जी ने ब्रिटानिया पर तेज़ी करने की सलाह यहाँ पर दी थी। प्रदीप, ITC पर अभी चर्चा भी हुई है, एक बार व्यू लेना चाहेंगे आपसे। अभी 508 के पास है ये स्टॉक, 526 ये तो आपने इमीडिएट टारगेट बताया, लेकिन किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना हो तो फिर क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं अगले 3 से 4 महीने के लिए? देखिए, इसने जुलाई 2023 में 500 के आसपास के टॉप बने थे और फिर इस ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ करेक्शन कंसोलिडेशन में चला गया और फिर इसका जो मेजर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था वो जुलाई 2024 में हुआ, 1 साल के बाद, जब इसने जो मेजर टॉप्स को कनेक्ट करते हैं उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 460 के ऊपर कंफर्म किया। तब से लेके हमने इस पे फ्रेश पॉजिटिव इनिशिएट किया था और लॉन्गर टर्म चार्ट्स को देखते हुए 526 का इमीडिएट टारगेट तो है ही, पर क्योंकि ये इतने बड़े फेज के बाद जो 470 के आसपास जो ब्रेकआउट हमने देखा था तो उसके जो टारगेट्स हैं वो करीबन 600-625 के आते हैं। तो जो ये टाइम फ्रेम रहेगा इस टारगेट्स के लिए वो करीबन 5 से 6 महीने का रहेगा। तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म, ना केवल शॉर्ट टर्म पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको बाय किया जा सकता है, एक्युमुलेट किया जा सकता है।